हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस किसे कहते हैं? टेंस को कह सकते हैं काल या समय कहते हैं। आपको आज बताऊंगा कि बहुत विस्तार से टेंस या काल समय होते क्या है। तो कह सकते हैं टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं या काल या समय कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलिए समय बहुत प्रकार के होते हैं, क्या ऐसा नहीं? समय हमारे तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल शुरू कर सकते हो, एक समय जो है कि हमारा बीत चुका है। जैसे कुछ समय पहले मैं घर पर था, तो उस समय में क्या है, हमारा बीत चुका है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक समय ये हो गया, एक समय कुछ बात आपको पढ़ा चुकूंगा। कह सकते हैं ये पढ़ाने के बाद मैं आपको घर जाऊंगा। जैसे कह सकता हूँ मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो एक समय वो हो गया। फिर सुनिए, एक समय वो होगा, अभी कुछ समय पहले मैं घर पर था, एक समय वो हो गया। एक समय क्या होगा हमारा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक समय वो हो गया। एक समय कह सकते हैं हमारा कुछ समय बाद आएगा अभी। तो ऐसे कह सकते हैं समय तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार के समय होते हैं तो कौन कौन सा होता है, पहला देखिए। कुछ समय पहले मैं कहाँ पे था, घर पे था। जैसे कह सकता हूँ मैं कुछ समय पहले घर पर था। ध्यान दें, मैं कुछ समय पहले घर पर था। तो ऐसा कह सकता हूं कि ये समय हमारा क्या हुआ, बीता हुआ। अभी मैं कहां हूं, अभी मैं कह सकता हूं आपको पढ़ा रहा हूं, कह सकता हूं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। एक समय ये हो गया, कह सकता हूं कुछ समय बाद मेरा आज पेपर है। कह सकता हूं मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा। कह सकते हैं कुछ समय बाद मैं अभी घर जाऊंगा और घर से पेपर भी देने जाऊंगा। तो ध्यान सुनिए, मैंने कहा मैं कुछ समय पहले घर पर था, मतलब कि मैं कुछ समय पहले घर पर था, अभी मैं ये यहाँ हूँ, तो ये मेरे घर पे कुछ समय पहले था, तो मैं ये समय वाला बीता हुआ ही नहीं बीता हुआ। फिर मैं कह सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी आपको वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी कुछ समय बाद घर पर जाऊंगा, मतलब आपको यहाँ से पढ़ाने के बाद जो आने वाला समय है वहां मैं कहाँ जाऊंगा, घर पर। तो मैं कह सकता हूँ अच्छे से कि जो समय हमारा, जो समय बीता हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। ध्यान सुनिए, जो समय हमारा बीता हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैं कुछ समय पहले कहां पर था, घर पर था, तो कह सकते हैं हमारा समय बीता ही हुआ है ना, तो इसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। पूछा जाए इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। अब आपसे पूछा जाए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या है, ये मेरा समय कह सकता हूं जो समय चल रहा है, जो समय सॉरी कह सकता हूं जो समय हमारा चल रहा है। ध्यान दें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा कह सकता हूं, जो समय चल रहा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं, कह सकते हैं जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय हमारा चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर देखिए, अब देखिए मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा, ऐसा कह सकता हूं, तो मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा। तो आप देख सकते हो जैसे कह सकता हूं जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जो समय हमारा आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्लियर, फिर मैं कहूंगा टेंस। टेंस किसे कहते हैं, काल या समय को कहते हैं। तो आपसे पूछूंगा काल या समय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे काल या समय तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप में लेता हूं, मैं कुछ समय पहले घर पर था, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ समय पहले कहां था, घर पर था, ये समय हमारा बीता हुआ है, कह सकते हैं कि बीत चुका है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक समय ये हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये समय अभी जारी है, चल रहा है।
मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा, मतलब यहाँ पे आपको पढ़ाने के बाद कुछ समय में घर पर जाऊंगा, तो कह सकता हूँ ये समय आने वाला है। फिर से सुनिए, मैं कुछ समय बाद घर पर था, मतलब क्या है, जो समय बीता हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे पास्ट टेंस। इतना क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा कह सकता हूँ, जो समय आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर? अब चलिए एक एक का हम क्लियर करके नाम और पहचान और रूल सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, इतना आपको समझ में आया हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाने जा रहा हूं। ध्यान से देख सकते हो आप, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि जो समय हमारा बीता हुआ होता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। कुछ समय बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा उसे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मैं पूछूं ये प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो कहोगे वह समय जो अभी चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। पूछा जाए पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो कहोगे जो समय हमारा बीत चुका हुआ है उसको भूतकाल कहते हैं। और कहेंगे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह समय जो हमारा कुछ समय बाद कहते हैं, समय जो हमारा आने वाला होता है उसे भविष्य काल नहीं भविष्य काल कह सकते हैं या फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप सभी की पहचान पहचानोगे कैसे, जिससे आपको वाक दिया जाए कि मैं एक छात्र हूं। अब इसको आप पहचानोगे कैसे, जैसे मैं एक छात्र हूं, तुम एक लड़के थे, ऐसा कह सकता हूं तुम एक लड़के थे अब लड़की बन गए होगे। कह सकता हूं मैं अभी घर जाऊंगा। ध्यान से देखना, प्रेजेंट टेंस आपको पता करना है कि ये तीनों वाक्यों में से प्रेजेंट टेंस का कौन सा है, पास्ट टेंस का कौन सा है, फ्यूचर टेंस का कौन सा। तो सबसे पहले आप देखोगे मैं एक छात्र हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं अभी क्लास में हूं, मैं अभी कुछ समय बाद घर जाऊंगा। देखो पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान कर लेते हैं, मैं एक छात्र हूं, मैं एक अध्यापक हूं, या एक ब्लैक बोर्ड है या एक मार्कर है, तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में कह सकते हैं कि हाँ है, हो या हूं, ये अगर आ रहे हैं तो हमारे प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी। सुनिए, अगर किसी भी वाक्य के अंत में है हो हूं अगर आ रहा है तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे मैं एक छात्र हूं, मैं एक अध्यापक हूं या एक पेयर हूं, कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट की ही बात कह रहे हैं कि मैं एक अध्यापक हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तुम एक लड़के थे, जैसे कह सकता हूं अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी या थे आता है तो आप जान जाओगे वह क्या है, पास्ट टेंस। चलिए आपको आगे बताते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी कहा मैं एक छात्र हूं तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी प्रेजेंट टेंस की बात हुई, तुम एक लड़के थे, मतलब तुम अभी एक लड़के थे, अब लड़की हो गए और क्या, या कह सकते हैं तुम एक अभी लड़के थे, अब कह सकते हैं आप यंग हो गए होगे, जवान हो गए होगे, तभी तो लड़के हो, तुम एक लड़के थे, ऐसा कह सकता हूं मैं अभी घर पर था, अभी मैं यहां पर हूं, तो ये बीता हुआ समय है। ऐसा कह सकता हूं कुछ समय बाद मैं घर पर था, तो ऐसा कह सकता हूं कि मैं अभी यहां हूं और पहले घर पर था। फिर कह सकता हूं कुछ समय पहले यहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, अभी वो घर चले गए हैं, तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे, अगर ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे मैं अभी घर जाऊंगा, मतलब आपको यहां पढ़ाने के बाद मैं अभी घर जाऊंगा, तो उसको कह सकता हूं क्या होगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी या गे आ रहा होगा तो आप जान जाओगे कि वो फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले देखिए, हमने कहा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में है, हो अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आप पहचानोगे कि कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा भूतकाल है, और कह सकते हैं कौन सा भविष्य काल है, कौन सा वर्तमान काल है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए आप पहचान करिए, हमने कुछ वाक्य को लिख के रखे हैं, उनको आप पहचान करेंगे कि वर्तमान काल का है कि पास्ट टेंस का है कि भूतकाल का है।
जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस का है, कि पास्ट टेंस का है, कि फ्यूचर टेंस का है। आप इन वाक्यों को पहचान के बताइए कि ये हमारा, मैं एक लड़का हूँ, तुम कहाँ थे, मैं यहाँ हूँगा, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तुम क्यों स्कूल जाओगे, वह एक किताब था। आपको इन वाक्यों को पहचान के बताना है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस। तो चलिए मैं एक एक करके पहचान करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे मैं एक लड़का हूँ, आखिरी में हमारे क्या आ रहा है, हूँ। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस क्या कह रहा है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में आए हूँ हो अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो मैं एक लड़का हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए दूसरा, देखिए तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम कहाँ थे, तो आप जवाब सुनने से होगी कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस। तो आप कहोगे तुम कहाँ थे, मतलब तुम आए हो और मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ थे, मतलब बीता हुआ समय है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी या थे वो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। फिर से देखिए मैं यहाँ हूँगा, ऐसा कह सकता हूँ मैं अभी वहां हूंगा या मैं अभी यहाँ हूंगा, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर गा दी गे अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। आपके लिए ये तीन कह सकता हूँ, एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि ये तीनों में से कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर। चलिए अब हम टेंस के प्रकार सीख चुके हैं, टेंस की पहचान भी सीख चुके हैं, कि टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होते हैं, है हूं हो, पास्ट टेंस की पहचान होते हैं था थी थे, और फ्यूचर टेंस की पहचान होते हैं गा गी गे। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि हमारे टेंस के भेद कितने होते हैं और उसकी पहचान सीखेंगे। टेंस की पहचान सीख तो चुके ही हैं, अब हम सीखेंगे टेंस के भेद कितने होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि टेंस के भेद कितने होते हैं। हम कह सकते हैं टेंस के चार भेद होते हैं, सभी टेंसों के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, सभी के चार भेद होते हैं। पहला क्या होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। पूछा जाए इसकी हिंदी क्या होती है, तो आप कहोगे इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है अनिश्चित काल। क्या होती है, अनिश्चित काल। एग्जांपल से पहले समझते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंडेफिनिट टेंस, जैसे कहा जाए अभी आप सब अपने माता पिता के ऊपर क्या हो, निश्चित ही, तो माता पिता जो कहेंगे वही करोगे, माता पिता कहेंगे यहाँ ना जाओ तो यहाँ नहीं जाओगे, माता पिता जो खाने पीने को देंगे वही खाओ पियोगे ना, तो कहते हैं माता पिता के ऊपर निश्चित। अब इन लग जाता है तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे माता पिता के ऊपर आप निश्चित आप नहीं, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा वाक्य जिसमें आपको ये ना पता लगने पाए कि ये समय हो रहा है, कि हो चुका है, कि होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आप को पढ़ाता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब क्वेश्चन उठ रहा है मैं आपको तो पढ़ाता हूं, ये तो क्लियर होगा, लेकिन कब पढ़ाता हूं, सुबह पढ़ा रहा हूं, कि दोपहर को पढ़ा रहा हूं, कि शाम को पढ़ा रहा हूं, ये क्लियर इस टेंस में नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इंडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा बात लेते हैं, कह सकता हूं मैं बाजार जाता हूं, ऐसा कह सकता हूं मैं बाजार जाता हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं बाजार जाता हूँ, अब कब बाजार जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, दोपहर को जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, रात को जाता हूँ, इससे पढ़ने से क्या आधार हो रहे, तो आपको भी बिल्कुल नहीं हो रहे। तो मैं कहूंगा अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता ती ते ऐसे वाक्य अगर आ रहे हैं तो इंडेफिनिट टेंस होंगे, अनिश्चित काल होंगे। हम लिख देते हैं, अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता ती या ते ये वाक्य आ रहे हैं तो आप पहचान कर लोगे कि वो इंडेफिनिट टेंस है, अनिश्चित काल। अब देखिए हमारे टेंस से पूछा जाए दूसरा भेद क्या होता है, एक भेद हो गया इंडेफिनिट टेंस जिसको अनिश्चित काल कहते हैं, कि हमारे कार के बारे में पता नहीं लगता है कि कार हमारा समाप्त हो गया है, कि चालू हुआ है, कि चालू होने वाला है। इसको आप पढ़ने को आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो किसी भी वाक्य के अंत में टा ती ते अगर आ रहा है तो अनिश्चित काल होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा कह सकते हैं हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, देखेंगे ध्यान से। देखिए दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है, अपूर्ण काल। क्या होता है,
आपूर्ण काल, जैसे देखते हैं आपूर्ण काल किसे कहते हैं, जैसे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कार्य जारी होना, जैसे कह सकते हैं आपके घर वाले कहते हैं, आपके टीचर वाले कहते हैं कि आप लगातार पढ़ते रहिए, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार मतलब आपका कार्य जारी नहीं है, अभी चल रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, मैं आपको पढ़ाने का कार्य जारी में हूँ, कह सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी आपको पढ़ा नहीं चुका हूँ, कह सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कार्य हमारा जारी है। मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी बाजार जा रहा हूँ, बाजार पहुंचा नहीं हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खाना खा नहीं चुके हैं, अभी खाना खा रहा हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं वह वाक्य जिसमें आपको कार्य के जारी होने का पता लगता है वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है आपूर्ण का, इसमें आपूर्ण मतलब कि कार्य हमारा समाप्त नहीं है, कार्य हमारा जारी है, क्लियर। जैसे किसी और इसका पहचान जान लेते हैं, पहचान क्या होता है, तो कहोगे किसी भी वाक्य के अंत में हमारा अगर रहा, रही, रहे अगर आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। देख सकते हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, आखिरी में अगर रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आप जान जाओगे कि कंटिन्यूअस टेंस है आपूर्ण काल, इसमें आपको कार के बारे में पता लगता है कि कार हमारा जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं, पहला हो गया इंडिफिनिट, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट में पता लगा कि कार हमारा अनिश्चित होता है, कार समाप्त नहीं होता है, जिसमें पता लगता है कि कार न समाप्त हुआ है, न जारी है, न जारी होने वाला है, इंडिफिनिट हो गया। पहचान क्या हुआ, अगर किसी वाक्य के अंत में ता, थी, थे, कह सकते हैं ता, ती, थे अगर आ रहे हैं तो हो जाएगा इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस कहते हैं कार जारी होना, मतलब आपूर्ण काल। जैसे अगर किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे अगर आ रहा है तो आप जान जाओगे वो कंटिन्यूअस टेंस है, आपूर्ण काल। अब चलिए दो और बच्चे, दो और सीखते हैं, उसको लिखते हैं, पहले मिटाते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो आपने दूसरे काल को लिख के रखा, कह सकते हैं टेंस के बारे में परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसके हम हिंदी लिखे समाप्त काल। ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें आपको पता लगता हो कि हमारा काल समाप्त हो गया वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे कहा मैं कहूँ अभी कंटिन्यूअस में क्या कहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब मेरा काल जारी है। अब मैं कहूँगा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मतलब मेरा काल समाप्त हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ, मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैं सब चीज ला चुका हूँ। अगर किसी वाक्य अंत में चुका, चुकी, चुके ये सब आ रहे हैं तो आप होगी परफेक्ट टेंस है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कह सकते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं खाना बना चुका हूँ, मैं नाच चुका हूँ, मैं कूद चुका हूँ। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका, चुकी या चुके ऐसे वाक्य आ रहे हैं तो आप जान जाओगे परफेक्ट टेंस से समाप्त काल। कितना क्लियर, अब ध्यान से देखिए हमारा दूसरा क्या है, कह सकते हैं दूसरा हमारा नहीं हमारा सॉरी कह सकते हैं चौथा भेद क्या है हमारा, तो आप ध्यान से देखोगे चौथा भेद हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी कह सकते हैं समाप्त और जारी, इसमें आपको दोनों दिया रहेगा, तो कह सकते हैं ऐसे वाक्य जो कह सकते हैं समाप्त भी ना हुए हों और जारी भी हों और कह सकते हैं समय भी दिया हो, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यहां से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कार्य के जारी होने का, कार के समाप्त होने का सभी चीजें इसमें पढ़ने पड़ेंगे और उसमें आपको खास करके समय दिया होता है। सबसे पहले जैसे देखते हैं समय, इसमें आपको दो प्रकार की पढ़ने पड़ेंगे, एक निश्चित समय एक अनिश्चित समय। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आप को दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, इससे आपको क्या पता लगता है कि हमारा समय निश्चित है कि अनिश्चित है। मैं आपको दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ दोपहर के दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ कि सुबह के दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ कि कल रात के दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ कि कल रात के दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई टाइम डिसाइड नहीं है, फिर कह रहा हूँ दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, कहूँ मैं आपको
आज सुबह के 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ध्यान देखेंगे, मैं आपको आज सुबह के 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ये टाइम हमारा क्लियर है कि आज सुबह से ही 9 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा, ये हमारा निश्चित समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित के बारे में पढ़ना पड़ता है। इतना क्लियर, फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। हमने कहा टेंस को काल या समय कहते हैं। काल या समय तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल। मैं एक अध्यापक हूँ, किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो अगर आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस, मैं अभी घर पर था, मतलब बीता हुआ समय है, अगर किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ रहे हैं तो पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस, कह सकता हूँ कुछ समय बाद में घर पर अभी हूंगा, मैं अभी यहाँ पर हूँ, कुछ समय बाद घर पर हूंगा, तो कह सकते हैं किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। फिर हमने बताया टेंस के भेद कितने होते हैं, तो टेंस के चार भेद होते हैं। पहला आपने बताया इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया कि इंडेफिनिट टेंस में आपको काल के जारी होने, समाप्त होने या परम होने के बारे में मालूम नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ, शाम को, उस बात को कोई टाइम क्लियर नहीं, तो किसी वाक्य के अंत में अगर ता, ती, ते अगर आ रहा है तो क्या हो जाता है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपने बताया कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कंटीन्यूअस टेंस में मतलब कोई कार्य जारी हो उसके बारे में हमको अगर पता लगता है तो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब हमारा कार्य क्या है, जारी है, तो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। पहचान इसके हमने बताया रहा, रही, रहे। फिर तीसरा क्या होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, समाप्त काल। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरा कार्य समाप्त हो गया। परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ना पड़ता है कि अगर किसी भी वाक्य का समाप्त होने के बारे में पता लगे तो उसको कह सकते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैं एग्जाम दे चुका हूँ, अगर आखिरी में आपके कह सकते हैं वाक्य चुका, चुकी, चुके अगर आ रहे हैं तो आप जान जाओगे परफेक्ट टेंस। याद है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसमें आपको ये पता लगेगा कि कार्य हमारा समाप्त भी हो गया है, जारी भी है और समय भी दिया होगा। और इसमें आपको खास करके समय दो प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं, एक समय निश्चित होता है, एक समय अनिश्चित होता है। जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका 2 घंटे से कब पढ़ा रहा हूँ, कब के 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि सुबह के 2 घंटे से, कि शाम के 2 घंटे से, कि रात के 2 घंटे से, कोई टाइम क्लियर नहीं। तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा समय क्या है, अनिश्चित। अब कहूँ मैं आपको आज सुबह के 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो टाइम क्लियर है ना, कि आज सुबह के 9 बजे से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम क्लियर है, तो उसको क्या कहेंगे, निश्चित। इतना क्लियर। हाँ, आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं होता है, पहचान लिख सकते हो आप, किसी वाक्य के अंत में अगर रहा, रही, रहे और समय भी दिया हो तो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हमारे टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, इसको आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। मैं आपको कह सकता हूं आपको टेंस में सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस तो वैसे आपके कह सकते हैं प्रकार अलग होते हैं, लेकिन आपको टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं, तो टेंस में सेंटेंस आपको पूरे 3 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। उन तीनों प्रकार का नाम क्या है, तो पहले का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य या सोभी कारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर। देखिए टेंस में हमको सेंटेंस को 3 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य, सोभी कारात्मक वाक्य। अभी साधारण वाक्य और सोभी कारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो आपको दिखाता हूं। कह सकता हूं मैं एक अध्यापक हूं, आप देख सकते हो एकदम कह सकते हैं छोटा और नॉर्मल वाक्य, मैं एक अध्यापक हूँ। अगर ऐसा वाक्य आ रहा है जिसमें आपको ना नेगेटिव के बारे में, नहीं के बारे में पता लगे, या ना क्वेश्चन के बारे में पता लगे, तो आप जान जाओगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम कहाँ, कह सकते हैं तुम एक लड़के हो, आप कह सकते हो तुम एक लड़के हो, तो ये कह सकते हैं साधारण वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। मैं एक अध्यापक हूँ, तुम एक लड़का हो या लड़के हो, कह सकते हैं ये क्या है, साधारण वाक्य। अब दूसरा आप पढ़िए,
हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी नकारात्मक वाक्य होती है। ऐसे वाक्य जिसमें हमेशा नकारात्मक की बात की जाए। मैं आपसे कहूंगा आप पढ़ लीजिए तो आप कहोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, नकारात्मक वाक्य। आपके पिताश्री जी कहें कि आप फोन ना चलाइए तो मैं कहूंगा, वो आप कहोगे मैं फोन जरूर नहीं चलाऊंगा, मैं फोन चलाऊंगा। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य आप कह सकते हैं बीच में नहीं अगर आ रहा या कभी नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो या एक कमरा नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य के अंत में या बीच में या परम में नहीं आ रहा होगा तो आप जान जाओगे नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं तीसरा क्या है, ये पहला नंबर हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। आपसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे आपसे प्रश्न किए जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। इंट्रोगेटिव एक होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस और एक होते हैं इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। इन दोनों को आपको जानना चाहिए। देखिए यहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम कहां थे, मैं क्या एक अध्यापक हूं, मैं एक क्या लड़का हूं, तुम क्या घर पे हो, ऐसे आपके अगर क्वेश्चन तुम्हारा क्या नाम है, अगर आपसे क्या कब कैसे क्यों ये सब अगर वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होते हैं जिसकी हिंदी प्रश्नवाचक इकहरा वाक्य होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आता है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, अगर ऐसे क्या सब क्वेश्चन पर होते हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य। अब क्वेश्चन पूछा जाए प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य क्या है, तो आप कहोगे अगर किसी वाक्य में कहां कब कैसे कौन क्यों अगर आ रहा है तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं कहां हूं, मैं कब घर जाऊंगा, मैं कैसे आऊंगा, अगर किसी वाक्य में कब कैसे कहां अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम छात्र हो, अगर किसी वाक्य परम में क्या आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होगा। अब किसी वाक्य में जैसे तुम कहां हो ऐसा है, तुम कहां क्यों कैसे हो कब हो, तो कह सकते हो इंटरव्यू डबल सेंटेंस होगा। और क्या से क्वेश्चन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। आज हमने आपको टेंस, टेंस के प्रकार और टेंस के भेद और टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं उसके बारे में बताया। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइए, इससे मैं आपको और वीडियो आगे बना के दे दूँ। अगले चक्कर में आपको वीडियो बना के दूंगा पढ़िए टेंस के पूरे नियम कानून और रूल और पहचान क्या होते हैं। फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा पास्ट टेंस जिसको कहते हैं भूतकाल कहते हैं, फिर फ्यूचर टेंस भी बनाऊंगा, इसकी पहले आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर कह सकता हूँ कि इसके आपके टेंस के भेद जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसको क्या कहते हैं। अच्छे से हमारे वीडियो को देखिए, जहां समझ में आए कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे और बताऊंगा। जय हिंद जय भारत।